दोस्तों आज हम ब्लू अपराजिता फ्लावर जो है ये, इसकी हम चाय पियेंगे, इसकी हर्बल टी पियेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ। मेरा नाम है विनय डिमरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनर डिमरी चैनल। इसकी सारे बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। पहले मैं जरा इसके सारे फूल ले लूँ। मैं दो कप टी बनाने के लिए कम से कम आपके पास 6 फ्लावर्स होने चाहिए, कम से कम 6 से 8 बेस्ट रहता है। ये इसे संख पुष्पी भी बोलते हैं। ये भगवान शिव को बहुत पसंद है। इनके अगर पुष्प हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो बहुत खुश होते हैं हमसे, हमारी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा बोलते हैं। तो इसके मैं फूल ले लेता हूँ। इसे ब्लू बटरफ्लाई पी भी बोलते हैं। और आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसके सीड भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको जो है कोरियर चार्ज या पोस्टल चार्ज जो भी होता है वो आपको देना होगा। मैं आपको उसके सीड फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लगे हैं, उधर भी लगे हैं, उधर मेरे काफ़ी इसमें अपराजिता ये ब्लू जो है अपराजिता के सीड नीचे गिरते हैं और फिर दोबारा से पौधा जनरेट हो जाते हैं। तो मेरा बहुत सारे लगे हैं ये पूरे मेरे गार्डन में, तो आप ले सकते हैं। तो अब हम इसकी चाय बनाते हैं। दोस्तों गैस ऑन कर देंगे और ये मैंने 2 कप जो है ये थोड़ा स्मॉल गिलास है मेरे पास, इसमें हम ये 2 फूल डाले हैं और थोड़ा सा इतनी हम हर्बल टी रखेंगे। तो इसको मैंने धो दिया है और इसको हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए कुछ नहीं डालना, सिर्फ ये फ्लावर डाले हैं मैंने और इसको धीमी आंच में करना है, फुल आंच में नहीं करना है। दोस्तों जब तक ये ब्लू टी बनती है तब तक इसके हम बेनिफिट जान लेते हैं। अगर हम इसको डेली पीते हैं ये ब्लू टी को, तो हमारा जो है इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी, एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है ये। अगर हम रोज सुबह जो है 1 कप चाय पी लें इसकी ब्लू टी की, और यही नहीं कि ये हमारे सिर्फ बैक्टीरिया वायरस से बचाएगा, ये हमारी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा। जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है उससे हमें बचाता है ये, उसको होने के चांसेस ये बहुत कम कर देता है। अगर किसी को बुखार है और इसको हम पिलाते हैं तो उसका फीवर कम कर देता है। अगर आप ये पीते हैं तो आपके आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस रहता है उसको ये लो कर देता है। ये यहीं पे नहीं रुकता है, अगर इसको आप डेली पीते हैं तो जो कैंसर है उसके रिस्क को भी ये लो कर देता है। इसमें बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये बहुत अच्छी टी है दोस्तों, इस टी को आप ज़रूर पीजिए। तो ये थाईलैंड की बहुत स्पेशल चाय है, बहुत ही पॉपुलर चाय है। ठीक है, कलर आया है इसका, एक तो कलर की उससे और अच्छी लगती है चाय देखने, बहुत अच्छी लगती है चाय। अगर आपके पास गेस्ट आते हैं उनको आप ये टी पिलाएंगे तो थोड़ा सरप्राइज होंगे, टी कौन सी है ये। आइए इसको बाहर लेके चलते हैं। पहले इसमें हम आप इसमें स्वाद टेस्ट बढ़ाने के लिए आप चीनी डाल सकते हैं या आप शहद डाल सकते हैं। मैं देसी खांड डाल रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लगे वो आप डाल दीजिए। तो मैं इसमें देसी खांड डाल रहा हूं। आइए दोस्तों गार्डन में चाय पियेंगे, उसका अलग ही मजा है। इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए आप इसमें लेमन डाल सकते हैं। लेमन डालने के बाद देखिए आप कलर कैसा हो जाएगा इसका, ये देखिए इसको, ये देखिए दोनों कलर कैसा हो गया है। तो आप लेमन के साथ भी कर सकते हैं और बिना लेमन के भी कर सकते हैं। इसको पीजिए और अपना इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाइए आप। इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है, काफी अच्छा टेस्ट है इसका। और लेमन वाले का मैं देखता हूँ, इसका ही बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आप इसे बना सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।